हाय गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएम सम्मान निधि योजना में जिन जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था वो अपना ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका अप्रूव हुआ कि नहीं, उनके कितनी किस्त आई है उनके खाते में, क्या स्टेटस है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई भी एक ब्राउज़र खोल लेना है। जैसे मेरे में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। और देखिए, मैं पहले से यहाँ पर गूगल पे टाइप कर चुका हूँ पीएम किसान, आप भी टाइप कर लीजिए। मैं देखिए, मैं पीएम किसान टाइप किया और ये आ गया पीएम किसान की वेबसाइट। सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है पीएम किसान फार्मर कॉर्नर, इस पर आपको ओके करना है। इस पर करने के बाद सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आ जाइए। नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी स्टेटस, आपको इसमें आ जाना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तीन ऑप्शन में से आधार कार्ड है, अकाउंट नंबर है और मोबाइल नंबर है। आपके पास तीनों में से कोई एक भी हो तो आप डाल के देख सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड डाल के देखता हूँ। तो चलिए, मैं आधार कार्ड डाल लेता हूँ अपना। देखिए, ये मैंने डाल लिया आधार कार्ड नंबर। अब यहाँ पर गेट डाटा पे क्लिक करना है। देखिए, ये गेट डाटा पे क्लिक करते ही उनकी पूरी डिटेल आ गई। देखिए, इनका नाम, मोबाइल नंबर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़, और इनको कितने किस्त आए हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, टू इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, चार इंस्टॉलमेंट इनको मिल चुका है। तो आप इसी तरह बड़ी आसानी से आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। कहीं पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं, किसी भी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो आप ऑनलाइन ही अपना घर बैठे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं पीएम सम्मान निधि योजना का। तो चलिए, आज के लिए इतना ही।